आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट कर कार्यकर्ताओं से अहम अपील की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 12 दिसंबर को गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर बड़ी संख्या में गोपीनाथगढ़ में इकट्ठा होने के बजाय हम गोपीनाथगढ़ को गाँव तक ले जाने की कोशिश करें। पंकजा मुंडे ने गांव-गांव में गोपीनाथ मुंडे की जयंती मनाने की अपील की है ताकि युवा गोपीनाथ मुंडे के विचारों को समझ सकें। नमस्कार, मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे हूं, जो आज आपके साथ कुछ बातें साझा करने के लिए ये वीडियो बना रही हूं। आपको मेरा विषय तो पता ही होगा, 12 दिसंबर आ रहा है। किसी प्रियजन के जन्मदिन को जयंती कहा जाना चाहिए, इस दुख को हम सब ने सहन कर लिया है। मुंडे साहब की उपस्थिति हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण थी, उनकी अनुपस्थिति हमारे लिए उतनी ही दुखद है। हम पिछले 10 सालों से उस दुख को भूलकर उन्हें याद करने का काम कर रहे हैं। पंकजा मुंडे ने कहा कि जब मैंने गोपीनाथगढ़ बनवाया तो मेरा मानना था कि इसका महत्व गांव-गांव तक फैल जाएगा। आप देखिए, किसी पार्टी के किसी विचारधारा के नेता गोपीनाथ स्मारक पर जाते हैं और मुंडे साहब को प्रणाम करते हैं। जब से गोपीनाथगढ़ बना है तब से हम दिल में दर्द लेकर 3 जून और 12 दिसंबर को बड़ी संख्या में इकट्ठा होते रहे हैं। इस अवसर पर हम अलग अलग सामाजिक कल्याण कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने विकलांगों को सामग्री वितरित करने का कार्यक्रम किया, लेकिन इस साल 12 दिसंबर से गोपीनाथ मुंडे की जयंती गोपीनाथगढ़ में मनाने के बजाय यह सोचा गया कि गोपीनाथगढ़ को गांव-गांव तक ले जाया जाए। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।